जय प्रक्रम किसे कहते हैं समझाइए। ठीक है, तो लिखिए वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस यानी मरम्मत। ठीक है ना, अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। जय प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, अब अनुरक्षण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं देख लो आप। ये इम्पोर्टेंट शब्द है यहाँ पे, क्योंकि इस बुक में या कहा इस चैप्टर में अनुरक्षण या अनुरक्षण से संबंधित जो भी शब्द मिले आप पहले उनके अर्थ को समझना, क्योंकि अर्थ समझ में आएगा तो चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आता ही चैप्टर समझ में। ठीक है, अनुरक्षण के अंतर्गत क्या क्या आता है देखो। पहला आता है नोटिस, नोट में डाल लेना। पहला आता है पोषण। ठीक है, इसमें आप लिख लेना अच्छे से। पहला क्या आता है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन, आपकी डेफिनेशन यहीं तक है। आप क्या लिखेंगे, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। तो आपसे जब पूछा जाए कि अनुरक्षण आखिर है क्या, तो आप बताएं। तो ये टॉपिक याद रखें, एक और लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, चौथा है अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। ठीक है, अब समझो इस बात को। देखो मतलब कोई भी जीव है जो क्या करेगा, पोषण करेगा, श्वसन करेगा और शरीर के अंदर हर एक मतलब प्रक्रम कौन, प्रक्रम तो मतलब क्या है, जीव के अंदर अगर पोषण चालू है, श्वसन चालू है और शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन चालू है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन चालू है, तो क्या है, एक प्रक्रम चल रहा है, उसे ही क्या कहते हैं जय प्रक्रम, यानी जीव का मेंटेनेंस चल रहा है। ये हर एक समय होता रहता है, जैसे जीव जब तक बोल रहा है, जग रहा, खेल रहा, कूद रहा, तब भी चलता है। क्या चलता रहता है, आपने खाना खाया, पोषण चालू है, आप खेल रहे हो, श्वसन चालू है ना, विदाउट श्वसन के। ये जितने भी प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, अनुरक्षण के अंतर्गत आते हैं, अगर जीव लेना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक ना, अगर जय प्रक्रम जीव का जो प्रक्रम है, जीव का जो जीवन है, अगर उसमें अनुरक्षण का कार्य अवरुद्ध हो जाए यानी बंद हो जाए तो जीव मर जाएगा। लेकिन जरूरी है कि हर एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट जो अनुरक्षण की चीज़ में है श्वसन, अगर ये लेना बंद, सांस लेना बंद कर दे तो जीव मर जाएगा। लेकिन जरूरी है कि सब अनुरक्षण में सब चीज़ों के द्वारा अगर बंद कर दिया जाए, चीज़ों को बंद कर दें तो जीव मर जाएगा। जैसे पोषण, अगर पोषण कुछ पल के लिए बंद हो जाए तो ऐसा नहीं कि तुरंत मर जाएगा, लेकिन श्वसन बंद हो जाए तो मर जाएगा। शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन, आना जाना, आदान प्रदान बंद हो जाए तब भी व्यक्ति मरेगा नहीं। कुछ चीज़ें क्या होगी, नुकसानदायक होंगी, कमजोरी आएगी, ठीक ना, वीकनेस लगेंगी, लेकिन मरेगा नहीं। लेकिन श्वसन के द्वारा व्यक्ति की जहनी जीव की हत्या भी हो सकती है। पदार्थों का उत्सर्जन, अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थ, व्यक्ति के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहते हैं। जब आप खाना खाए, डाइजेशन हुआ, फिर उत्सर्जन चालू हो जाता, बाथरूम आई, अन्य क्रियाएँ चालू हैं, उत्सर्जन अपशिष्ट बन, जो भी खराब पदार्थ बाहर आ गया, पसीने के द्वारा आया, खेल कूद रहे हैं तो पसीने से बाहर आया। तो जय प्रक्रम क्या है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से यानी जीवों को है प्रक्रम, जिसमें हर एक क्रियाएँ होती रहती है, जैसे पोषण होता रहता है, श्वसन होता रहता है, शरीर के अंदर संवहन होता रहता है, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन होने की प्रक्रिया चालू रहती है, उसे क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं।
यह हर एक समय होता है, जैसे आप सो भी रहे हैं तब भी चालू रहता है। खाना खाए सो गए, पोषण चालू है, जो भी आप खाना खाए उसका डाइजेशन चालू, सांस चलती रहती है, अगर सांस नहीं लेगा तो मर जाएंगे, ठीक ना। और अपशिष्ट पदार्थों को सर्जन भी चालू रहता है अंदर ही, ठीक ना। जो भी खराब वेस्टेज मटेरियल होगा फिर एक्टिव होगा तो आप फिर लगेंगे और उन क्रियाओं को करेंगे और बाहर होगा। साथ जब आप थक गए हैं तो आप रेस्ट में हैं तो क्या होता है, मरम्मत चाहिए, मेंटेनेंस, अनुरक्षण का अर्थ होता है इंग्लिश में समझे अगर, तो मेंटेनेंस यानी मरम्मत, यानी जब आप रेस्ट में रहते हैं तो सभी सेल्स वगैरह जो टूट जाते हैं वो क्या होती हैं, बनती रहती हैं, उनका रिपेयरिंग चालू रहता है। रेस्ट मोशन में जाते हैं, सब रेस्ट होते हैं, फिट फाट होते हैं, यानी बिल्कुल आपको कंफर्टेबल जोन में ले जाते हैं और आप फिट फाट होकर तरोताज़ा होकर फिर जगते हैं, ठीक ना। तो ये काम हर पल चलता रहता है जय प्रक्रम में। अगर हमें जीवों का वह प्रक्रम जिसमें मेंटेनेंस का काम चलता रहता है उसे क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। इस प्रकार ये तो